लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के 5 कॉन्वेंट स्कूलों की मान्यता रद्द होने वाली है। मुंबई के उप शिक्षा संचालक ने पुणे के शिक्षण महानिदेशक को शिकायत पत्र देकर ऐसे तानाशाह स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान इन स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने, पालकों पर फीस भरने के लिए दबाव बनाने और छात्रों को पढ़ाई से वंचित रखने के मामले में शिकायत की गई थी। जाहिर है, यदि शिक्षा महासंचालक कार्रवाई करते हैं तो शिक्षण के नाम पर लूट और मनमानी करने वाले ऐसे स्कूलों को बड़ा सबक मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के 5 कॉन्वेंट स्कूलों की मान्यता रद्द होने वाली है। मुंबई मंडल के उप शिक्षण संचालक ने पुणे के शिक्षण महासंचालक को शिकायत देकर मुंबई के 2, पनवेल के 1 और नवी मुंबई के 5 स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इनमें खारघर का विश्वज्योत हाई स्कूल, सानपाड़ा का रयान इंटरनेशनल स्कूल, नेरुल का अमृता विद्यालय, वासी का सेंट लॉरेंस स्कूल और ऐरोली का न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल का नाम शामिल है। लॉकडाउन के दौरान इन स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने, पालकों पर फीस भरने के लिए दबाव बढ़ाने और फीस नहीं भरने पर छात्रों को पढ़ाई से वंचित रखने का आरोप लगा था, जिसके बाद जांच में इन स्कूलों की मनमानी का खुलासा हुआ। जाहिर है, अगर कार्रवाई होती है तो इससे छात्रों से मनमानी फीस वसूली और उन्हें पढ़ाई से वंचित रखने वाले ऐसे स्कूलों की तानाशाही पर अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।